नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में धर्म विज्ञान यह नई मालिका प्रारंभ की है। इस मालिका का उद्देश्य यही है, जो बुद्धि प्रामाण्यवादी है उन्हें धर्म का महत्व ध्यान में आए, और जिनकी धर्म पर श्रद्धा है, श्रद्धालु हिंदू है, उनकी धर्म के ऊपर की श्रद्धा और बढ़े। इस दृष्टिकोण से ही यह धर्म विज्ञान की मालिका प्रारंभ हुई है। इसमें हमने हमारा सनातन धर्म कैसे वैज्ञानिक है इसके बारे में हमने समझ कर लिया, हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति कैसे थी, कितने हमारे ऋषि मुनियों ने जो कि एक संशोधक थे, विज्ञानवादी थे, तो उन्होंने किस प्रकार से हमारे नए नए खोज की थी, ये हमने यहाँ पर समझ कर लिया। अभी पिछले बार हमने गणित इस विषय के बारे में जान कर लिया कि गणित ये विषय भारत से कैसे निर्माण हुआ है, हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने इसका निर्माण कैसे किया है, ये हमने समझ कर लिया। अंकगणित के विषय में हमने जान कर लिया। आज के इस धर्म विज्ञान के कार्यक्रम में हम कालगणना के विषय में समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ इस चर्चा में हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। तो आइए आज के इस धर्म विज्ञान की मालिका को हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज हमारे देश में विक्रम संवत, शालिवाहन शक, हिजरी या ईसाई, ऐसे विभिन्न कालगणना चल रही है। सरकारी स्तर पर तो मतलब अंग्रेजी और ईसाई कालगणना के अनुसार सब कुछ आजकल व्यवहार हो रहा है, तो ऐसे में हिंदू धर्म के अनुसार युगाब्द कालगणना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आप हमें सभी को मार्गदर्शन करें। युगाब्द, ये जो हमारी प्राचीन और पारंपरिक जो कालगणना है, अर्थात युगारंभ से जो शुरू हुई ये वार्षिक गणना है, प्रत्येक युग में अनेक शककर्ता राजा जो निर्माण होते हैं, जिनके पराक्रम के द्वारा नए शक या काल का प्रारंभ होता है, तो उन्हीं जो महावीर है, जो राजा है, उनके नाम से ही कालगणना प्रारंभ होती है। कलयुग में राजा विक्रम, राजा शालिवाहन आदि अनेक वीर योद्धा राजाओं के नाम पर ये शक कर्ता करके नए जो शक है उनका प्रारंभ हुआ है, और उसी के अनुसार विभिन्न प्रांतों में लोग अपना अपना दैनंदिन व्यवहार या जीवन व्यापन करते हैं, उसमें एक सूत्रता हो इसलिए कलयुग के जो आद्य शक कर्ता है, मतलब राजा युधिष्ठिर यानी पांडवों के जो ज्येष्ठ बंधु है, उनके नाम पर यह कालगणना होना आवश्यक थी। अब्द इस शब्द का अर्थ है वर्ष, और इसके अनुसार युगाब्द इस शब्द का अर्थ युग का वर्ष ऐसे होता है, और वर्तमान जो युगाब्द है वो राजा युधिष्ठिर, उसके महाभारत के पराक्रम के बाद जो नया हमारा ये शक शुरुआत हुआ है, तो उसके नाम पर ये प्रचलित है। अब सर्वप्रथम तो हम यह देखेंगे कि भारत में वर्तमान में प्रचलित कौन से शक या कौन से राजा के पराक्रम के नाम पर अलग अलग कालगणनाएं शुरू है, वह हम समझ लेंगे। सबसे अभी वर्तमान में जो प्राचीन हमें ज्ञात है उसमें युगाब्द तथा ये युधिष्ठिर का जो शक है वो है, वो आज के दिन में 5122 वर्ष का है, यानी 5122 वर्ष पूर्व युधिष्ठिर सम्राट के रूप में स्थापित हुए थे युद्ध जीतने के बाद, और वहां से यह कालगणना शुरू होती। उसी तरह से बौद्ध संवत यह 2597 वर्ष पूर्व से यहाँ पर कालगणना निरंतर प्रारंभ है। उसके बाद जैन संवत वो 2546 वर्ष पूर्व से भारत में एक प्रचलित शक चल रहा है, और उसके बाद जो आता है विक्रम संवत, यानी उज्जैन के जो राजा थे विक्रम, उनके पराक्रम के बाद जो हमारी इसमें कालगणना शुरू हुई वो विक्रम संवत है। आज
नेपाल में विक्रम संवत दैनंदिन जीवन में प्रचलित है, परंतु भारत 1947 में स्वतंत्र होने के बाद ये जो विक्रम संवत शुरू होना आवश्यक था, तो उस समय के तात्कालिक राज्यकर्ताओं ने उसको मान्यता न देकर अंग्रेजी का ही कालगणना शुरू रखने का एक जो महापाप किया है। तो आज भारत में हम विक्रम संवत की कालगणना को विशिष्ट पंचांग या विशिष्ट विधि विधान के लिए उपयोग किया जाता है। अब ये जो ईसाई या जिसे हम ग्रेगरियन कहते हैं, या जो वर्तमान में हम जनवरी फरवरी वाला जो कालगणना का ये ले रहे हैं, उसका जो है 2020 वर्ष चल रहा है, यानी क्रिश्चियनिटी के जो ईसा मसीह है उसके जन्म से जो एक शक निर्माण हुआ है, शक चालू हुआ है ईसाई का कालगणना, उसका वो प्रारंभ है। भारत में एक शालिवाहन नाम के राजा हुए थे, और शालिवाहन के पराक्रम के बाद भी उनके पराक्रम के नाम से 1942 वर्ष पूर्व से एक शालिवाहन शक का भी भारत में प्रारंभ हुआ है। उसके बाद आता है हिजरी, हिजरी यानी इस्लामिक, इस्लामिक कालगणना जो है वो भारत में 1389 यानी 1389 वर्ष पुराना ये एक कालगणना का जो एक शक भारत में चल रहा है ऐसे। और 16वीं शताब्दी में करीब करीब 400-450 वर्ष पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब राज्याभिषेक हुआ था और वो हिंदू सम्राट करके उन्होंने गद्दी पर छत्र धारण किया था, तो उन्होंने जो नया शक शुरू किया था वो श्री राज्याभिषेक शक इस नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से भारत में अनेक कालगणना के हिसाब से शक प्रचलित है, मगर इससे यही स्पष्ट होता है कि वर्तमान काल में युगाब्द कालगणना यह सबसे प्राचीन कालगणना है, तथा यह कालगणना ज्योतिर्गणित के साथ होने के कारण वो अत्यंत तर्कशुद्ध है, शास्त्रीय है, और सभी भारत में एक ही संवत्सर पद्धति होना आवश्यक है, यानी पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए एक ही संवत्सर के आधार पर कालगणना हमें स्थापित करना आवश्यक है। और इसलिए अब अंग्रेज 21वीं सदी के स्थान पर युगाब्द 52वीं सदी कहना हमें आवश्यक है, यानी उससे क्या होगा कि अंग्रेजी 21वीं शताब्दी की तुलना में अगर हम युगाब्द 52वीं शताब्दी की अगर लकीर खींचते हैं, तो बाकी सब कालगणनाएं हमारे युगाब्द के कालगणना की लकीर के सामने कैसे छोटी हो जाती है, यानी हमारी प्राचीनता, हमारी पारंपरिक श्रेष्ठता और वो कालगणना की श्रेष्ठता और उसके पीछे का शास्त्र, इन सभी को जो महत्ता है वो हमें ध्यान में आती है। अब भारत के समय का जो तात्विक विचार है वो सर्वप्रथम कणाद ऋषि कणाद जो है उनके वैशेषिक दर्शन में आता है। पतंजलि ने काल के संबंधी अपने विचार रखते हुए यह कहा था कि काल अर्थात समय यह नित्य है, नित्य यानी शाश्वत, यानी वो अविनाशी है। अब वह संसार का आधार है और वह संसार का आधार होकर वो विश्व को व्याप्त करता है। वे आगे भी कहते हैं कि उसका उगम हमें ज्ञात नहीं है, जिसके माध्यम से पदार्थ की क्षय या वृद्धि इसकी अनुभूति होती है, वह काल है। यानी काल की गति के सामने, यानी छोटा बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, बड़ा बच्चा है वो वृद्ध हो रहा है और वो मृत्यु हो रहा है, तो ये काल के गति के सामने जब उसके जीवन का पट लिखा जाता है तो फिर वो काल उसका आधार बनता है। अब यह जो काल है यह सूर्य के गति से जुड़ा होने के कारण उसके दिन और रात ऐसे भी भाग माने जाते हैं। अब सूर्य की गति के मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो एक होता है वो दिन का भाग होता है, और सूर्य जब अस्त होने के बाद जो रात्रि का समय होता है वो रात का भाग होता है। तो सूर्य की गति से काल को जब हम निगड़ित करते हैं तो हमारे यहाँ दिन और रात ऐसे उसमें दो भागों में उसका विभाजन होता है। अब सबसे महत्व की बात क्या है कि हमारे यहाँ अत्यंत पुरातन वेद काल से, यानी अर्थात जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से जो शतपथ ब्राह्मण तक के जो ग्रंथ है, उन सभी ग्रंथों में हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ऋतु चक्र हो, नक्षत्र का गति का चक्र हो, अयन हो या चंद्रमास हो या अधिक मास हो,
या क्षय मास हो या संवत्सर हो या युग की जो कल्पना है, इन सबका संदर्भ होते हुए भी और वो अत्यंत शास्त्रीय होते हुए भी आज क्या हमने अपनी शास्त्रीय परंपरा को छोड़कर पश्चिमी जो कालगणना हमने स्वीकारी है क्या उस पर हमने आगे जाना चाहिए या हमें अपनी पारंपरिक कालगणना स्वीकारना चाहिए, इसका तो चिंतन आप ही को करना है। और आपके स्वाभिमान, आप और हमारे स्वाभिमान के आधार पर ही हमारी युगाब्दीय जो कालगणना है उसको हम स्थापित कर पाएंगे। हमारे हिंदू कालगणना के अनुसार, यानी जो अभी प्रचलित अंग्रेजी जो 2020 ये वर्ष शुरू है, तो उसके तुलना में हमारे कालगणना के अनुसार विश्व की जो निर्मिति है वो 197,29,49,102 वर्ष हो चुके हैं, ऐसे स्पष्ट हमें बताती है। कहां ये वर्ष 2020 और कहां हमारे 197 करोड़ की ये कालगणना की श्रृंखला। तो इतने प्राचीनतम कालगणना के प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने हम अभी 2000 वर्ष पूर्व की कालगणना को मान्यता देना, यह हमारे एक तो अज्ञान या हमारे मूर्खता का ही लक्षण हो सकता है, इसलिए हमें इस पर चिंतन जरूर करना है। और ये भी सत्य है कि भारत से जाते समय ईसाई राज्यकर्ताओं ने हम पर कालगणना थोप के गए, मगर ये गोरे अंग्रेज जाने के बाद जो काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने इस कालगणना को अधिक मात्रा में हम पर थोपा है, यह वास्तविकता भी हमें जानने की आवश्यकता है। तो ये जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स है, हमने जो ऐतिहासिक गलती किया है, स्वतंत्रता के बाद स्व कालगणना या स्वाभिमान जागृति की प्रक्रिया हमने नहीं किया है, तो वो प्रक्रिया करने के लिए हमें स्व कालगणना को स्थापित करना आवश्यक है। आज विश्व में जिन प्राचीन सभ्यताओं को एक मान्यता दी जाती है, माना जाता है, अब उनके कालगणना के अगर हम अध्ययन करते हैं और उनके अनुसार या तुलना में हमारे कालगणना का हम अध्ययन करते हैं, तो भारत की कालगणना प्राचीन है, यह हमें स्पष्ट होता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, यानी मिस्र, प्राचीन काल में जिसे मिस्र कहा जाता है, जो आज का इजिप्ट है, तो उसकी कालगणना की जो परंपरा है वो 28,670 वर्ष तक की वो इतिहास बताता है। अब उसके थोड़ा सा अगर पीछे जाते हैं तो पारसी, जो पारसी लोगों की कालगणना है, या पारस देश है जो आज का ईरान हम जिसको कह सकते हैं, तो इसकी कालगणना का इतिहास कहाँ तक जाता है, तो 1,89,974 यानी 1,89,974 इतने वर्ष तक ये ईरानी कालगणना पीछे जाती है। अभी जो हित्ती कालगणना है, यानी जो क्षेत्र आज जिसे हम तुर्कस्तान या सीरिया इस क्षेत्र को बोलते हैं, जो प्राचीन समय में हित्ती करके जाना जाता था, तो उनकी कालगणना की प्राचीनता क्या है, तो 88,38,567 ईयर्स। और उसके अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो चीनी कालगणना, यानी वर्तमान ये जो हमारा चीन देश है, तो उसकी कालगणना जाती है 9,60,02,304 वर्ष तक की। मगर इसके तुलना में अगर हम भारतीय वैदिक कालगणना का इतिहास देखते हैं, तो वो कालगणना 197,29,49,102 वर्ष पुरातन है, यानी आज जो हमारा भारत है, यानी जो भारत वर्ष है, भारत उपखंड है, यानी भारत साम्राज्य है, या हमारी वेद संस्कृति है, इसकी अगर पारंपरिक और प्राचीनतम कालगणना का संदर्भ हम देखते हैं जो वैदिक काल से आता है, तो उसकी जो 197 करोड़ की वर्ष की जो एक श्रृंखला आती है, उसके सामने 9 करोड़ वाली जो दूसरी कालगणना है चीन की, वो कितनी न्यूनतम है, ये हमें स्पष्ट होता है। तो ऐसे तुलनात्मक भी अगर हम वैश्विक कालगणना से अध्ययन करते हैं, तो हमारी ये वैदिक कालगणना अत्यंत प्राचीनतम, अत्यंत शास्त्रीय और खगोलीय और गणितीय आधार पर स्थापित होने के कारण उसमें कोई त्रुटि भी अभी तक हम नहीं निकाल पाए, ये सत्य हमें जानने की आवश्यकता है। अब इसके अनुसार जो वांशिक अभिनिवेश
जो निर्माण होता है उस अभिनिवेश को भी हम परे रखकर विचार करते हैं, तो वो करने पर हिंदू कालगणना वैज्ञानिक जो कसौटी है, वैज्ञानिक सत्य है, उस पर खरी उतरती है या उतर सकती है। अगर कोई इसको कसौटी लगाना चाहता है तो उसकी वैज्ञानिकता जांच कर सकता है, क्योंकि आज भी उत्खनन में जो प्राप्त हुए वस्तुएं हैं या कोई पदार्थ उसमें मिले हैं, तो नवीनतम जो अभी आविष्कार है वो आविष्कारों के बाद अभी जो पश्चिमी विद्वान और वैज्ञानिक हैं, वो भी इस तथ्य की पुष्टि करने में लगे हैं कि हमारी ये जो सृष्टि है ये प्राय 2 अरब वर्ष पुरानी है, और ये जो 2 अरब वर्ष पुरानी सृष्टि का वो एक मॉडर्न साइंटिफिक एक उसके आधार पर वो हमें बता रहे हैं, तो उनकी कालगणना पृथ्वी की उत्पत्ति की जो स्थिति वो बता रहे हैं, वो भारतीय वैदिक कालगणना को अप्रोक्सीमेटली यानी अधिकतर वो समन्वय करने वाली कालगणना होने के कारण वैज्ञानिक तथ्य और वैदिक परंपरा की कालगणना ये दोनों में हमें यहाँ पर वास्तविकता काल के कसौटी पर सिद्ध हो रही ऐसी दिखाई देता है। और उसके तुलना में बाकी लोगों ने जो कुछ विश्व की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने तर्क रखे हैं वो कितने ऊपरी ऊपरी है और वो कितने अवैज्ञानिक है, ये तो आधुनिक विज्ञानी हमें सिद्ध कर रहा है, तो हमें अपने पारंपरिक कालगणना का अभिमान लगना ही चाहिए। अभी जो महाभारत का युद्ध के उपरांत जो द्वापर युग समाप्त होकर कलयुग का प्रारंभ हुआ है, और ये महाभारत के युद्ध में हमारे पांडव के ज्येष्ठ भ्राता जो राजा युधिष्ठिर थे, उन्होंने विजय प्राप्त करने से वे जब सत्ता पर आए, सनातन हिंदू धर्म के परंपरा के वो सम्राट करके घोषित हुए, तो उस समय ये युधिष्ठिर शक अथवा ये जो युग बदलने के कारण जिसे युगाब्द कहा गया है, ये जो एक शक या कालगणना भारत में अभी प्रचलित है वो ये महाभारत के युद्ध से है, और ऐसे माना जाता है कि यह युगाब्द का प्रारंभ ईसा पूर्व 3102 वर्ष पूर्व हुआ है। अब जो भारतीय कालगणना का जो सूक्ष्म घटक है, यानी सबसे कम जो काल को गिनने की जो सनातन परंपरा में जो क्षमता थी, तो उसको उन्होंने परमाणु ऐसा कहा था, यानी जैसे अभी समझो कि ग्रॉसली आर मिनट और सेकंड में, जिसे सेकंड ही सूक्ष्मतम हमारा ये हुआ, या अभी रनिंग वगैरह जो होते उसमें सेकंड की भी दशमलव में हम काउंट करके कालगणना छोटी छोटी करते हैं, तो प्राचीन काल जो भारतीय कालगणना थी उसका सूक्ष्म जो घटक था, जो कम से कम काल को गिनने की उनकी क्षमता थी, तो कम से कम काल जो गिना था उनको उन्होंने परमाणु कहा था, और एक परमाणु यानी 0.00032 सेकंड, यानी हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं एक सेकंड का इतना छोटे भाग को उन्होंने गिना था, और वो गिनती को उन्होंने परमाणु करके प्रमाणित किया था, यानी उनकी वो गिनने की क्षमता, उसके लिए जो आवश्यक है वो इंस्ट्रूमेंटेशन, वो उनकी कितनी प्रगल्भता होगी, कितनी वैज्ञानिकता होगी, ये हमको समझ कर लेने की आवश्यकता है। अब भारतीय कालगणना का हमने अभी सूक्ष्म काल देखा, भारतीय कालगणना का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो भारतीय कालगणना का जो सबसे बड़ा भाग है उसको महाकल्प कहते हैं। महाकल्प अर्थात हमारे जो ब्रह्मा है, देवता ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का जीवन काल, यानी जैसे हम मनुष्य का 100 वर्ष का जीवन काल है, वैसे अगर हमारे जो ब्रह्मा है देवता उनके 100 वर्ष का जो जीवन काल है उसको महाकल्प कहते हैं। फिर एक महाकल्प अगर उसको हमारे वर्ष 365 दिन वाले वर्ष में अगर उसको कन्वर्ट करना है तो उसका अनुपात क्या होगा, तो एक महाकल्प यानी 31 नील 10 खरब 40 अरब मानवी वर्ष का एक महाकल्प होता है, यानी हमारे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का आयुष्य होता है। यानी ये आंकड़े देखकर भी हमारी कल्पना के बाहर चिंतन जा सकता है, और उस समय जब आधुनिक यंत्रणा नहीं थी, उन्होंने
आधुनिक कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं बनाए थे, और उस समय अपनी ज्ञान शक्ति, साधना शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान के आधार पर उन्होंने इस सब बातों को वस्तुनिष्ठता से निकालकर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में लिखकर आज हमारे लिए एक संदर्भ करके रखना, ये हमारे कालगणना का श्रेष्ठत्व का एक वो प्रमाण है, ऐसे हमें समझने की आवश्यकता है। अब हमने हमारे सूक्ष्मति सूक्ष्म और विशाल कालगणना, यह दोनों का जो विचार किया है, तो ये ऋषि के सिवाय अन्य को इसकी कल्पना कर पाएगा ऐसे किसी को संभव है क्या? ये हमारे ऋषियों की, ऋषि मुनियों की जो एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक जो क्षमता थी, ये उसी का ही परिपेक्ष है। अब जैसे हमने उस समय काल का गति सूर्य की अगर तुलना मिले तो दिन और रात अगर देखा था, तो सूर्य के सामने जो पृथ्वी का भाग दिखता है जिसको अह यानी दिन कहा जाता है, और सूर्य की तरफ नहीं है परंतु सूर्य के विरुद्ध दिशा में जो है पृथ्वी का भाग, वो क्षेत्र को रात्रि कहा जाता है। यानी पृथ्वी का जो भाग सूर्य की दिशा में है और प्रकाशित हो रहा है वो दिन का भाग होता है, और सूर्य के विरुद्ध दिशा में और अप्रकाशित है यानी अंधेरे में है यानी जहाँ पर रात्रि है, तो ऐसे अह रात्र, ऐसे दिन और रात की हमारे यहाँ जो गंती है, ये जो दिन और रात की कल्पना है ये अत्यंत शास्त्रीय है। पृथ्वी के स्वयं के बाजू में जो उसका भ्रमण होता है, पृथ्वी की दो गति होती है, एक वो स्वयं के बाजू में घूमते रहती है और दूसरी है वो सूरज के बाजू में गोल घूमती है, परिवलन और परिभ्रमण। ये जो पृथ्वी की दो गति है, तो उसकी एक गति है जो स्वयं के बाजू में घूमती है, उस गति के कारण सूर्य के सामने जो भाग आता है वहां दिन होता है, और सूर्य के विरोधी भाग जो होता है जहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता वो अंधेरा होता है। यही पृथ्वी की गति के कारण निर्माण होने वाला दिन या रात्र है, और इसी को ही हम कालगणना की दृष्टि से अहोरात्रि ऐसे संबोधन करते हैं। कालांतर में ये जो अहोरात्रि शब्द है, तो जैसे भाषा शास्त्र में व्युत्पत्ति करते समय उसकी हम अलग अलग उसका विश्लेषण करते हैं, तो अ होरा त्र यानी अ होरा त्र अहोरात्र, ये जो शब्द है इसमें ये जो होरा है, ये होरा शब्द की उत्पत्ति हुई है, और होरा इस शब्द का अर्थ है कि एक घंटा या 60 मिनट का जो हमारा समय है, तो वो एक घंटे को हमने होरा कहा है। मगर भाषा शास्त्र की व्युत्पत्ति से जाए या ये जो पश्चिमी कालगणना है उनको तो अपने कालगणना के लिए एक घंटे के लिए 1 आवर के लिए क्या कहना, उसके पास शब्द ही नहीं था, और उनके सामने जो प्रमाण था वो भारतीय कालगणना की परंपरा का प्रमाण था। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो होरा शब्द था जो हमने एक घंटे के लिए संबोधित किया था, तो अंग्रेजी भाषा में उनके भाषा के उच्चारण की विकृति के कारण या वो कुछ बदलाव करके उसको स्थापित करने की प्रक्रिया में होरा को आवर हावर ऐसे करते करते 1 आवर, ये जो अभी वर्तमान में शब्द प्रचलित है, यह अंग्रेजी का भी शब्द जो है उसका मूल हमारे भारतीय परंपरा में ही कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये सत्य हमें समझने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये जो भारतीय कालगणना की जो प्राचीनता है, वैज्ञानिकता है, तार्किकता है, या ज्योतिषीय या गणितीय आधार पर या खगोल शास्त्रीय गणितीय आधार पर इसका जो बेस है, उससे यही पता चलता है कि एक तो प्राचीनतम तो है ही और तार्किक भी है, वैज्ञानिक भी है, और वो काल के हर कसौटी पे सिद्ध होने वाली है, ये होता है। और अन्य सभी कालगणनाएं ये इसी के आधार पर, इसी के नींव के आधार पर बनी है, यह भी समझ कर लेने की आवश्यकता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, प्राचीन भारतीय कालगणना अधिक वैज्ञानिक होते हुए भी अमान्य कर पश्चिमी कालगणना को आज के समय में भारतीयों पर लागू करने का एक ईसाई षड्यंत्र के संदर्भ में आप हम सभी को बताएं। ये जो ईसाई षड्यंत्र के आधार पर आप जो बात बता रहे हैं वो बहुत वस्तुनिष्ठ है ऐसे लगता है मुझे कार्तिक जी, क्योंकि ये पाश्चात्य कालगणना थोपने के बाद अंग्रेज तो चले गए, मगर उन्होंने जिनके हाथ में सत्ता सौंप के गए वो काले अंग्रेज जो थे, तात्कालिक प्रधानमंत्री है या उस समय के जो भी सत्ताधारी पक्ष के लोग थे, तो उन्होंने
भारतीय कालगणना के बजाय पश्चिमी कालगणना को स्वीकार कर उसको स्थापित करने के लिए जो किया है, तो इसमें केवल ईसाई षड्यंत्र नहीं है, तो इसमें ये जो साम्यवादी विचारसरणी है, जो धर्म विरोधी विचारसरणी है, जो भारतीय परंपरा को नाकारने वाली जो विचारसरणी है, जो अपने को गलत कह के दूसरे को बड़ा मानने वाली है, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वाली जो विचारसरणी है, तो ऐसे ये स्वयं को प्रोग्रेसिव या ऐसे कहने वाले ये जो लोग हैं, तो अंग्रेज और वो जाने के बाद के जो हमारे काले अंग्रेज थे, जो हमारे अपने लोग थे, ये दोनों के साझा षड्यंत्र का हम शिकार है, ऐसे मुझे आपको बताना है। अब पाश्चात्य जगत से आए सभी विद्वान मूलतः वो ईसाई धर्म प्रसारक ही थे और ईसाई धर्म के कट्टर अनुयायी थे, और अपनी धार्मिक जो मान्यता है और उनका जो विश्वास था और उनकी एक आदत थी, अपना जो देश है या अपने जो विचार का जो परिवेश है उसके ही अनुसार सब बातों को सोचना, उसके अनुसार जो कुछ लिखाण करना है वो लिखना, यही अनिवार्यता उनके सामने थी। और मूलतः ईसाई धर्म की जो मान्यता है, जो अवैज्ञानिक और गलत है, उस मान्यता के अनुसार ईसाई धर्म, उनका जो धर्म ग्रंथ है बाइबल, वो कहता है कि ये ईश्वर ने जो सृष्टि का निर्माण किया है वो ईसा से 4004 वर्ष पूर्व ही किया है। अब जिनकी धार्मिक धारणा 4004 वर्ष पूर्व ईसाई तक आगे नहीं जा रही है, जिनको खगोलीय गणित का ज्ञान नहीं है, जिनको यहाँ अभी गणित पूर्णता विकसित नहीं हुआ है, तो ऐसे अज्ञानी लोगों का यह विश्वास कर पाना कठिन ही था कि भारत के इतिहास में लाखों लाखों वर्ष की प्राचीनता और कालगणना का वहां पे प्रत्यक्ष प्रमाण आ रहा है। जब पश्चिमी देशों में ये पाश्चात्य लोगों की जो पूर्व है, पूर्वज है, जो ईसा पूर्व यूरोप के जंगलों में पेड़ों के छालों को वस्त्र करके लपेटते थे, जानवरों के खालों के वस्त्र बनाकर पहनते थे, जिनको कपास क्या है, वस्त्र कैसे, कपड़ा कैसे बुनना है, वस्त्र कैसे बनाना है, इसका ज्ञान नहीं था, ऐसे अज्ञानी लोग वो एकाएक कैसे मान ले कि भारत में लाखों वर्ष पूर्व संस्कृति विकसित थी, भारत का जो मनुष्य था वो अत्यंत प्रगत और अत्यंत विकसित अवस्था में था, वो घर बनाने की क्षमता रखता था, भवन निर्माण की क्षमता रखता था, रास्ते निर्माण करने की क्षमता रखता था, धातुओं को जमीन से निकालकर उसके औजार और अन्य ये बनाने की क्षमता रखता था, तो उसके कल्पना के बाहर होने के कारण वो भारत की सत्यता और इतिहास को मान ही नहीं कर रहे थे। और जिस तरह से भारतीय इतिहास की हर घटना और हर तथ्य को ये पश्चिमी विद्वानों ने अपने विचार कसौटी पे रखकर उन्होंने उसको विकृत करके अपने पक्ष में अनुकूल बनाकर ही लिखा है, और विपक्ष के जो उनको स्वीकार नहीं हुए है, तो वो इतिहास को उन्होंने झूठा किंवदंती कहा है उसको, और उसको उन्होंने नाकारा है। कालगणना के संदर्भ में भी उन्होंने जैसे सच्ची इतिहास को स्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने उस झूठे या उनको जो सत्य लगा वैसे इतिहास को उन्होंने रखने का प्रयास किया, वैसे ही झूठा और पक्षपाती भूमिका उन्होंने कालगणना के संदर्भ में भी उन्होंने रखी, और भारतीय कालगणना को नकारने का महापाप उन्होंने किया है। पाश्चात्य इतिहासकारों ने भारत के प्राचीन जो विद्वानों को, जो कालगणना का जो उनका ज्ञान था, उनसे अनभिज्ञ है, ऐसे बताया है। भारतीय इतिहास की जो प्राचीन तिथियां थी या तिथियों को निर्धारण करते समय बार बार जो यह बात दोहराई गई थी कि प्राचीन काल में भारतीय विद्वानों के पास तिथि क्रम निर्धारित करने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही पश्चिमी इतिहासकारों ने प्रोपोगंडा या एक षड्यंत्र करके बताना शुरू किया था। कई पाश्चात्य विद्वानों ने तो यहां तक कह दिया था कि
प्राचीन काल में भारतीय लोगों को ना तो तिथि क्रम व्यवस्थित रख सकते थे, ना तो उन्हें हिसाब व्यवस्थित रखते आता था। ऐसा एक बड़ा झूठ उन्होंने इतिहास में गढ़ दिया है। और इसलिए उन्हें जब सिकंदर के भारत पर आक्रमण से पूर्व एक विभिन्न घटनाओं के लिए भारतीय स्रोतों के आधार पर बनने वाली तिथियों को नकारना पड़ा, किंतु उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अपनी काल्पनिक कालगणना को मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने ये जो षड्यंत्र जानबूझकर रचा था और जानबूझकर भारतीय कालगणना को गलत और अज्ञानी या अयोग्य बताने का उन्होंने षड्यंत्र किया था, वो उनका अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए था, यह स्पष्ट होता है। यदि वास्तविकता में भारत में प्राचीन समय में अगर विद्वान हो या इतिहास इसके संदर्भ में अगर वो ज्ञान से शून्य होते, तो प्राचीन काल में जो आज भी अनेक जगह शिलालेख या जो ताम्रपत्र हमें मिल रहे हैं, तो वो तैयारी नहीं कराए जा सकते थे। ऐसे अभिलोगों की उपस्थिति में भारत के प्राचीन विद्वानों पर अगर पाश्चात्य विद्वानों ने कालगणना का ज्ञान या तिथिक्रम की जो गणना है उससे अनभिज्ञ होने का यानी पता नहीं ऐसे आरोप करना है या उनको हिस्सा व्यवस्थित नहीं रख सकते थे, ऐसा अगर वो दोष मढ़ रहे हैं, तो ये पाश्चात्य विद्वानों की ये जो कृति है वो केवल हास्यास्पद ही नहीं तो मूर्खतापूर्ण है, ऐसे मुझे लगता है। इतना ही नहीं, भारत में अंकगणित के सिद्धांतों की रचना ही प्राचीन काल में हुई है। भारत ने विश्व को अंक प्रदान किया, 1, 2, 9 से लेकर 0। यानी जब भारत में गणित इतने प्रगत अवस्था में था तो भारतीय तिथि का हिसाब नहीं कर सकते थे, ये आरोप ही उनके षड्यंत्र का भाग है ऐसे दिखाई देता है। और जब भारत के पास अंक थे, शून्य था, और तब विश्व के पास ये नहीं थे, और वो स्वयं को प्रगत है करके बताते हैं, ये तो स्वयं का बड़प्पन या एक अहंकारी वृत्ति का लक्षण है, ऐसे ही हमें लगता है। और विशेषकर भारत में कालमान का एक शास्त्र अलग से ही है, नक्षत्रों की गतियों के आधार पर निर्धारित भारतीय कालमान जो है उसमें जो परिवर्तन और अंतर है वो होने की बहुत कम या कम से कम ही संभावना होती है। तो नक्षत्र की गतियों पर आधारित कालमान भारत में था, जो अभी भी पाश्चात्य लोगों को समझ में नहीं आया था, अभी आधुनिक कुछ उपकरणों से वो जान लेते वो ठीक है। भारत में केवल एकादा ग्रंथ में कालगणना का संदर्भ था, उल्लेख था, क्या ऐसे था क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं। कालगणना के संदर्भ में विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में लेखन था, अथर्ववेद हो, अलग अलग हमारे पुराण हो, श्रीमद् भागवत हो, महाभारत हो, आदि सभी और अलग अलग और अनेक अनेक ग्रंथों में काल विभाजन और उसके जो गणना क्रम है इस पर बड़े विस्तार से विचार प्रकट करके उसका विश्लेषण उसमें किया गया है। कुछ जगह थोड़ा सा परिणामों में परिमाणों में उसके भेद है, परिमाण जो गिनती के परिमाण होते हैं उसमें कई कई भेद मिले हैं, परंतु कालगणना के गणना में कई भेद नहीं मिला है हमें। कुछ उदाहरण जो हम बताना चाहेंगे तो इस प्रकार है, श्रीमद् भागवत के 3rd अध्याय में करीब करीब 11 श्लोक उसमें कालगणना पर विचार किया गया है, जिसके अनुसार भारतीय कालगणना में जो सबसे छोटी इकाई है वो परमाणु है। अब परमाणु यानी कैसे, वो कैसे गिनी जाती है? तो सूर्य की रश्मि, रश्मि यानी किरण, सूर्य की रश्मि परमाणु के भेदन में जितना समय लेती है उसका नाम परमाणु है। यानी एक प्रकाश किरण वो एक परमाणु में कितने कम समय में वो अपना प्रकाश की गति से जाता है, वो जो समय है उसको परमाणु कहा है। और परमाणु का जो आगे उसने काल विभाजन दिया है वो इस प्रकार है, यानी 2 परमाणु का एक अणु बनता है, 3 अणु का एक त्रसरेणु बनता है, 3 त्रसरेणु का एक त्रुटि यह काल बनता है,
सौ त्रुटि का एक वेद बनता है, तीन वेद का एक लव बनता है, तीन लव का एक निमिष बनता है, तीन निमिष का एक क्षण। और यहां पर एक क्षण में 1.6 सेकंड, यानी एक क्षण में आधुनिक अगर काल गणना देखी तो 1.6 सेकंड होता है, और पारंपरिक काल गणना देखी तो 48,600 परमाणु, इतना उसका व्यापक परिमाण है। अब 5 क्षणों का एक काष्ठा बनता है, 15 काष्ठों का एक लघु बनता है, 15 लघु की एक नाड़िका बनती है, यानी दंड जिसे कहा गया है, 2 नाड़िका का एक मुहूर्त बनता है, 3 मुहूर्त का एक प्रहर बनता है, और 8 प्रहर का एक दिन और रात यानी अहोरात्र बनती है। यानी इस प्रकार से परमाणु से लेके तो एक दिन, फिर दिन के बाद पक्ष यानी 15 जो होता है उसका, उसके बाद मास यानी एक महीना, और उसके बाद एक वर्ष, यानी आदि, इस तरह से जो काल गणना का जो ज्ञान था वो उसी समय पूरी तरह से प्रगल्भ अवस्था में था, यह हमें समझने की आवश्यकता है। महाभारत इनके वन पर्व में 188 का जो अध्याय है उसमें 67वां जो श्लोक है उसमें पूर्णता सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, सृष्टि का प्रलय कैसे होता है, युगों की वर्ष संख्या कितनी है, अर्थात काल गणना के संदर्भ में एक परिपूर्ण विचार वहां पर किया गया है, हमें वहां पर लिखा गया है। और इसमें यह लिखा गया है कि एक कल्प यानी 1,000 चतुर्युग की समाप्ति, एक कल्प या 1,000 चतुर्युग की समाप्ति पर आने वाले कलयुग के अंत में जैसे 7 सूर्य एक साथ उदित हो जाते हैं, तब कल्पना कीजिए कि कितना ऊष्मा पृथ्वी पर बढ़ेगा, उस ऊष्मा के कारण पृथ्वी का सब जल सूख जाएगा, आदि आदि सभी जो वर्णन है वो इस ग्रंथ में स्पष्ट किए हैं। यानी आज हम क्या अनुभव कर रहे हैं कि संपूर्ण विश्व के जो वैज्ञानिक है वह बता रहे हैं कि पृथ्वी में ऊष्मा बढ़ रहा है, सामान्य भाषा में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पृथ्वी पर बढ़ रहा है, यानी तापमान या ऊष्मा जो है वो बढ़ रहा है। विश्व के अध्ययन के अनुसार वर्तमान जो आधुनिक विज्ञान है वो 20वीं शताब्दी से 2005 तक पृथ्वी के औसतम तापमान में प्रति 100 वर्ष में 0.74 और अधिक 0.18 जो सेल्सियस है, सेंटीग्रेड जो है, इतना जो है वो तापमान बढ़ता है, ऊष्मा बढ़ता है। इस कारण हिमशय यानी जो हमारे ग्लेशियर है या जहाँ पर ये हमारे बर्फ के पहाड़ियाँ है वो हिमशय पिघल कर वो जब अनेक जगह से बहते हुए समुद्र में मिलता है तो ये वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ऊष्मा के कारण समुद्र का जल स्तर जो है वो निरंतर बढ़ रहा है। महाभारत के 5,000 वर्ष पूर्व के समय में जहाँ एयर कंडीशन या मोटर बाइक या व्हीकल या इस तरह का कोई आधुनिक यंत्रणा का उनको पता नहीं था, ना आधुनिक गाड़ियाँ थी, ना बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, ना संभाव्य प्रदूषण की कोई कल्पना थी, फिर भी उस समय उन्होंने आने वाले समय में सृष्टि के परिवर्तन में जो बदलाव पृथ्वी पर हो गए उसके बारे में जो सटीक वर्णन किया है, तो केवल उनकी कालगणना हो या वर्तमान काल के संदर्भ में नहीं, तो आने वाले काल के संदर्भ में भी उनका आकलन कितना सटीक और वैज्ञानिक था ये इससे स्पष्ट होता है। और इसलिए हमारा ये जो पारंपरिक जो कालगणना है उसको नकारना, पश्चिमी झूठी अवैज्ञानिक कालगणना को हम पर थोपना, यह षड्यंत्र तो है मगर केवल यह ईसाई षड्यंत्र है, ऐसे नहीं है, अंग्रेजों का षड्यंत्र है, ऐसे नहीं है। तो उनके यहाँ के जो अनुयायी हैं, काले अंग्रेज जो हैं, जो हमारे साथ बैठते उठते हैं,
जिनके हाथ पर वे सत्ता सौंप के गए थे, तो उनका जो मिलीभगत अंग्रेजों के साथ थी, क्रिश्चियनी मिशनरियों के साथ थी, सनातन परंपरा को मिटाने की उनके मन में जो एक इच्छा थी, एक साम्यवाद या नास्तिकतावाद के आधार पर धर्म परंपरा को नकारने का जो उनका एक विचार था, उस विचारों से यह षड्यंत्र ने जन्म लेकर हमारे भारतीय देश को, भारतीय समाज को अपनी पारंपरिक कालगणना से दूर रखे हुए ये थोपी हुई झूठी कालगणना के अधीन उन्होंने बांध के रखा है। इस षड्यंत्र को उजागर करना आवश्यक है, हमको स्वयं से अपनी कालगणना की तरफ जाने की आवश्यकता है, और यही हमारे देश का स्वाभिमान जागृत करेगा और भारत का पुनरुत्थान करके भारत को विश्व गुरु तक पहुंचाएगा, ऐसे मुझे निश्चित लगता है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आज पश्चिमी कालगणना के अनुसार रात्रि 12 बजे दिन में परिवर्तन माना जाता है, तो क्या ये मानना उचित है? इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कि पश्चिमी कालगणना के अनुसार मध्य रात्रि के 12 बजे दिन में परिवर्तन माना जाता है, तो मैं यही थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि रात्रि के 12 बजे हम उसको मध्य रात्रि कहलाते हैं, तो उसको दिन हम कैसे कहें? और जब वो रात्रि के 12 बजे मध्य रात्रि है, तो दिन में परिवर्तन कैसे हो सकता है? वो रात्रि में परिवर्तन हो सकता है, प्रारंभिक रात्रि से मध्य रात्रि और मध्य रात्रि से उत्तर रात्रि, ऐसे बदला हो सकता है। तो मूलतः ये जो मध्य रात्रि में परिवर्तन की जो बात है, वही एक अवैज्ञानिक या एक पिछड़ेपन का लक्षण है, वही हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने इस मानवीय सृष्टि की रचना तथा जो कालगणना का जो पूरा उपक्रम है, वो हमारी जो निसर्ग जो है, प्रकृति है, या ये जो उन्होंने वैश्विक परिप्रेक्ष्य निर्माण किया है, उसमें आपस में इतना एक दूसरे से मिलाकर रखा है कि वो एक दूसरे को इतना पूरक है, तो वो कितनी शास्त्रीय और वस्तुनिष्ठ है, वो धीरे धीरे हम आगे आगे देखेंगे। इसके साथ उन्होंने यह भी कह के रखा है, अपने श्लोक में यह आप पढ़ रहे हैं, उसमें स्पष्ट होता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस को जो सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय से कालगणना का औचित्य इस तथ्य को निहित करता है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, पृथ्वी, नक्षत्रों आदि की रचना से जो संपूर्ण त्रैलोक में जो अंधकार छाया हुआ था, उस अंधकार के बाद जब सूर्य देवता के कारण, सूर्य देवता के अस्तित्व के कारण जब इस धरा पर पहले प्रकाश का किरण आया, या प्रकाश का इस पृथ्वी पर जब प्रारंभ हुआ, अपितु दूसरे भाषा में अगर कहना है तो भगवान आदित्य यानी जो सूर्य है, उसकी जीवनदायिनी ऊर्जा शक्ति का प्रभाव, यानी उससे प्रक्षेपित होने वाले सूर्य किरणों के माध्यम से जो ऊर्जा शक्ति पृथ्वी तल पर आई, और वो पृथ्वी तल पर आने के कारण इस पृथ्वी तल पर जीव और जगत का जीवन संभव हो सका। सूर्य देवता हमारे भगवान सूर्य नारायण, जिनके अस्तित्व के कारण जब पृथ्वी अपने ही अक्ष के आजू बाजू गोल घूमती है, और पृथ्वी पर अर्ध रात्रि और अर्ध दिन, ऐसे दिन और रात्र निर्माण होते हैं, तो यह दिन और रात्र के परिवर्तन की जो अवस्था है, वो सूर्य के तुलना में पृथ्वी के स्वयं के बाजू में घूमने की गति के कारण निर्माण होती है। यह व्यवस्था हमारे एक दिन या दिन रात या अहोरात्र के संकल्पना का एक वैज्ञानिक आधार है। इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से इंग्लैंड में दिन परिवर्तन की व्यवस्था की जाती है। अर्धरात्रि 12 बजने के समय में संभवतः उन्होंने वो इसलिए आधार बनाया है क्योंकि जब इंग्लैंड में उनके रात्रि के 12 बजते हैं, तब भारत में भगवान सूर्योदय की अगवानी करने के लिए प्रातः 5:30 बजे होते हैं, यानी वो भारत का सूर्योदय का समय होता है। तो भारत के सूर्योदय के समय भारत में दिन परिवर्तन होता है, तो उस समय इंग्लैंड में रात के 12 बजे होते हैं करके वे अपना कैलेंडर बदलते हैं, तो उनके मध्य रात्रि उनकी तारीख बदलने का
यह एक कारण है कि उन्होंने भारतीय परंपरा को ही आधार लिया हो, ऐसे हम मान सकते हैं। आज 31 दिसंबर को मध्य रात्रि को 12 बजे वो नववर्ष मनाते हैं, उस समय नया क्या होता है पता नहीं, मगर सूर्योदय के समय रात का अंधेरा नष्ट होकर प्रकाश किरणें जमीन पर आकर मनुष्य जीवन को एक ऊर्जा प्रदान होती है। और फिर जन्मदिन के समय भी मध्य रात्रि को शुभकामनाएं देने की जो नई परंपरा गलत निकली है वो भी कितनी अशास्त्रीय और गलत है। जिस समय रात में तमोगुण प्रधान होता है और ऊर्जा का अभाव होता है और नई ऊर्जा प्रकाश किरणों के साथ सूर्योदय के साथ आती है, तो जन्म की शुभकामनाएं भी सूर्योदय के बाद ही देना चाहिए, ऐसे सनातन परंपरा या हिंदू शास्त्र कहता है। और बोलता ये जो कालगणना जो है, जैसे अगर हम पूछते हैं कि हमारा जो दिन है वो सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक के हम मानते हैं, इसलिए वो हमारा एक दिन और रात है ना, और रात्र होता है। आपका मध्य रात्रि से मध्य रात्रि दिन बदलने का क्या निकष है, ऐसे अंग्रेजों को हम पूछते हैं तो उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उनका जो महीना है, उन्होंने जो मास यानी मंथ की जो संकल्पना लिया उसमें एक कुछ मास 31 दिन के हैं, कुछ है वो 30 दिन के हैं, फिर 365 में बिठाना है तो फरवरी को उन्होंने 28 का बना दिया, और फिर 2-4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है तो लीप ईयर करके उसको 29 में डाल दिया। मगर ये 28 होने का क्या आधार है, वो 29 होने का क्या आधार है, वो 30 होने का क्या आधार है, वो 31 होने का क्या आधार है, अगर ये हम पूछते हैं तो उनके पास उसका कोई शास्त्र नहीं। मगर हमारा भारतीय परंपरा का जो महीना है वो कब बदलता है, हो सकता है अमावस्या से अमावस्या या पूर्णिमा से पूर्णिमा, यानी जैसे सूर्य के सापेक्ष दिन रात होती है तो वैसे चंद्र की गति से, चंद्र के जो पृथ्वी के बहुत ही गति होती है तो पूर्ण चंद्र से पूर्ण चंद्र तक या अमावस्या से अमावस्या तक, यह जो चंद्र की पृथ्वी के बाजू में घूमने की जो एक गति है उसके आधार पर उसको हमने एक महीना माना है और वो उसकी गति के आधार पर है। फिर अधिक मास कौन सा है, क्षय मास कौन सा है, कौन से नक्षत्र से भ्रमण हो रहा है, ये सब बातें देखकर वो अधिक मास भी तय होता है। अब 12 ही महीने का वर्ष क्यों, तो हमारे पास ये शास्त्र है कि सूर्य 12 राशि से भ्रमण करता है, तो उस 12 राशि से भ्रमण का जब उसका एक चक्र पूर्ण होता है तो हमारा एक वर्ष होता है। और दूसरी तरफ पृथ्वी जो है, पृथ्वी का सूर्य के बाजू में जब एक परिभ्रमण पूर्ण होता है तो वो हमारा वर्ष होता है, तो हमारा ये शास्त्र है। उनके 12 महीने क्यों और उन्होंने 365 दिन का एक दिन क्यों माना, इसका शास्त्र उनको पूछो तो उनके पास उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। तो हमारा दिन 24 घंटे का क्यों हो, तो सूर्योदय से सूर्योदय तक है। हमारा महीना क्या है, तो अमावस्या से अमावस्या या पूर्णिमा से पूर्णिमा। हमारा वर्ष क्या है, तो पृथ्वी का एक सूर्य के बाजू में परिभ्रमण या सूर्य का 12 राशि में उसे एक चक्र पूर्ण होना, और उसी के आधार पर महीने का नाम भी हमारे यहाँ तय हुआ है। और नववर्ष चैत्र प्रतिपदा को ही क्यों, तो जिस समय पहली किरण उत्पत्ति के लिए आई है वहीं से निर्माण हुआ है, तो कालगणना। तो हमारी पारंपरिक कालगणना कितनी शास्त्रीय है और पाश्चात्य कालगणना कितनी ऊपरी ऊपरी है, इसका अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो कुछ बातें हमें अपने आप ही स्पष्ट हो जाती है, ऐसे मुझे लगता है। कार्तिक जी, जी जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो हमें मार्गदर्शन किया इससे एक बात तो हमें सभी को स्पष्ट हुई होगी कि रात को 12 बजे दिन का आरंभ मानना ये कितना अशास्त्रीय है, यह हमें समझ में आया होगा। और सनातन धर्म में बताया अनुसार सूर्य उगने के बाद, सूर्य की उदय होने के बाद जो हम दिन की शुरुआत मानते हैं ये कितना शास्त्रीय है, ये हम सभी को ध्यान में आया होगा। आपने इस कालगणना के बारे में हम सभी को जो महत्वपूर्ण सूत्र बताया इसके लिए हम सभी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं सभी दर्शकों को यह बताना चाहूँगा भारत की संस्कृति, भारत की कालगणना कितनी प्राचीन थी ये आज हमने समझ कर लिया। यह महत्वपूर्ण विषय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आप सभी प्रयास कीजिए। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को शेयर कीजिए,
लोगों को भी इस हमारी प्राचीन सनातन परंपरा, हमारी काल गणना के विषय में जानकारी मिले, इसका आप सभी प्रयास कर आप भी इस धर्म कार्य में सहभाग लें, ऐसे मैं सभी से अनुरोध करूंगा। यदि यह विषय सुनते समय आपके मन में कुछ शंका निर्माण हुई हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स पर अपने प्रश्न लिखकर दे सकते हैं। आपकी शंकाओं का समाधान करने का हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।